वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र यवतमाल 4,900 करोड़ मूल्य रेलवे रोड और सिंचाई संबंधित विविध विकासलक्षी परियोजनाओं उद्घाटन लोकार्पण करूं। कार्यक्रम दरमियान पीएम किसान अन्य योजनाओं अंतर्गत लाभों जाहिर कर वडाप्रधाने समग्र महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत करी हती। ओबीसी कैटेगरी लाभार्थी मोदी आवास घरकुल योजनाओं शुभारंभ करायो हतो। तेमणे बे ट्रेन सेवाओं ने लीली झंडी आपी हती। वडाप्रधाने यवतमाल शहर में पीड़ित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा उद्घाटन पण कर्युं हतुं। देशभरमांथी खेडूतो मोटी संख्या में आ कार्यक्रम साथे जोड़ाया हता। आ प्रसंगे उपस्थित जनमेदनी ने संबोधता वडाप्रधाने छत्रपति शिवाजी भूमि सामे शीश झुकाव्यो हतो अने धरतीपुत्र बाबा साहेब आंबेडकर ने श्रद्धांजलि पण अर्पण करी हती। वडाप्रधाने वर्ष 2014 में अने वर्ष 2019 में पण चाय पर चर्चा करवा आव्या हता त्यारे तेमणे लोकोना आशीर्वाद ने याद कर्या हता। तेमणे फरी लोकोना आशीर्वाद मांग्या। तेमणे माता बहेनोना आशीर्वाद बदल आभार व्यक्त कर्यो हतो। वडाप्रधाने चार मोटी सौथी मोटी प्राथमिकताओं पर गरीबों युवानों महिलाओं अने खेडूतों पर भार मूक्यो हतो। तेमणे कह्युं के आ चारनुं सशक्तिकरण दरेक परिवार अने संपूर्ण समाजनी ताकात सुनिश्चित करशे। मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था, तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार। साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं, उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ मिल गया तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च रखा। और जब तक रहे तब तक इसके लिए ही काम किया। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले
देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। क्यों? आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का आपके लोकार्पण हुआ है। पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी, लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की। तो अगर